दो गाय के हाथों से आपका एक टेनिस रैकेट तैयार होता है। हैरान मत हो, यही सच है। टेनिस रैकेट्स का इतिहास 1875 में शुरू होता है, जब एक बिजनेसमैन पियर्स बेबुलेट ने पहली बार नेचुरल गट से टेनिस स्ट्रिंग बनाए थे, जिसको आगे चल करके हमेशा के लिए काउ गट से रिप्लेस कर दिया गया। नेचुरल गट वाले जो स्ट्रिंग होते थे, इनका फील बहुत सॉफ्ट होता था, इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से प्लेयर्स इसको ज्यादा पसंद करते थे और बहुत तेजी से पॉपुलर भी हो गए। आसान भाषा में समझो, इलास्टिसिटी वो होती है अगर किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स डाला जाए और वो फोर्स हटाने के बाद वो मटेरियल अपनी शेप रीगेन कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। 150 साल हो गए हैं और आज भी सिंथेटिक मटेरियल काउ गट्स को रिप्लेस 100% नहीं कर पाया है। 2017 में रॉजर फेडरर, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड रैंकिंग में 17वें स्पॉट पर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप जीती थी, वो भी गाय के हाथों से बने रैकेट से। दुख वाली बात यह है कि हम अपने लालच और एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे और उसको जस्टिफाई भी कर देंगे। देखो, नेचुरल स्ट्रिंग्स के अपने फायदे होंगे, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल्स पर शिफ्ट करना एक सही कदम होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है।